सो वेलकम टू सुमितल द टेक सपोर्ट चैनल। मैं हूं सुमित और ये मेरा 10 साल पुराना फ़ोटो है। तो इसे मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करूंगा, वो भी 2 मिनट में, और आपको डिटेल्स में दिखाऊंगा आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, ये ऐसा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो में कन्वर्ट करूंगा। तो ये कैसे करना है अगर आपको पता नहीं है तो ये वीडियो ज़रूर आपको हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। तो इस तरह से पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो है ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया है। तो ये कैसे कर सकते हो, आपको थोड़ी सी इंटरनेट की मदद लेनी होगी अगर आप जल्दी करना चाहते हो, यानी 2 मिनट के अंदर। तो आपको ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर remove.bg ये फ़ोटो यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा। remove.bg में bg ओपन करके यहाँ पर ड्रैग कर देना पड़ेगा, या फिर अपलोड इमेज भी कर सकते हो सिलेक्ट करके। तो ये मेरा फ़ोटो रहा, तो मैं अभी इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है जल्दी से। तो ये रहा बैकग्राउंड रिमूव वाला फ़ोटो, आप डिफरेंस देख सकते हो, बैकग्राउंड पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। ये मेरा ओरिजिनल ये रहा बैकग्राउंड रिमूव के साथ जो फ़ोटो है, बैकग्राउंड विद बैकग्राउंड और बिना बैकग्राउंड के, ये दोनों अलग अलग फ़ोटो आप देख सकते हो। तो मेरा आधा सा काम अभी हो गया है, तो ये कुछ ही सेकंड के अंदर ही हो जाता है, आपको उतनी देर करने की ज़रूरत नहीं। इसको रिसाइज करना पड़ेगा, 3.5x4.5 में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए मुझे। तो पहले हम क्रॉप कर लेंगे क्योंकि रिसाइज होना ज़रूरी है। तो मैं रेशियो यहाँ पर 2.5x3.5 इंच सेंटीमीटर का रेशियो यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, उसे हम ठीक करेंगे। और आप कोई भी रेशियो हिसाब से ले सकते हो। तो जैसे कि मैं क्रॉप कर रहा हूँ, मेरा ओरिजिनल जितना फ़ोटो मुझे चाहिए उसके हिसाब से। तो देखो आंखें, मेरा आँख जो है वो पहला जो क्रॉस है उसे क्रॉस करेगा, पहला जो बॉक्स है उसके बाद ही मेरा आँखें होना चाहिए। तो यही रेशियो बरकरार रखना पड़ेगा। और मेरे यहाँ पर फेस आसानी से दिखा है, ये भी एक एग्जांपल है, पर ये हिला हुआ है, एक साइड में एंगल में दिया गया है, पर ऐसा फ़ोटो नहीं चाहिए, सीधा फ़ोटो चाहिए हम लोगों का। अगर पासपोर्ट लेना हो तो कोशिश कीजिए कि सीधा एंगल से फ़ोटो ले। तो ये मैंने कैजुअली बैठा था तो मैंने सोचा यही फ़ोटो दिखा देता हूँ, इसी के लिए एग्जांपल के रूप से सही रहेगा। तो ऐसे रहना चाहिए, ओके। ये 3.5x4.5 जो पासपोर्ट साइज़ है इसके हिसाब से। तो यहाँ पर आपको और एक चीज़ की ज़रूरत होता है, हम कलर जो क्रॉस करेंगे, कलर चूज़ करेंगे, तो मैं क्या दिखा देता हूँ। जो कलर आप चूज़ करोगे, इसके पहले थोड़ा डिसाइड कर लेता हूँ, आपको ठीक से दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्लिक करते हुए थोड़ा हम पहले फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं, लेयर को, और उसके बाद इमेज साइज़ को ठीक करते हैं, 3.5x4.5 सेंटीमीटर्स। तो ऐसे हम फ़ोटो को परफेक्टली साइज़ कर लिया है। और अब इसको थोड़ा डीप करना पड़ेगा, यानी शार्पनेस बढ़ाना पड़ेगा, मोर शार्प कर लिया है, बहुत ही शार्प दिख रहा है, क्लीन दिख रहा है फ़ोटो। तो अभी इसका जो कलर चूज़ करेंगे, उससे पहले मैं मेरा बनाया हुआ एक जो फ़ोटो बॉर्डर है उसे हम चूज़ कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। ये बना के रख देता हूँ, जल्दी जल्दी फ़ोटो तैयार करना होता है मेरे शॉप में, मैं 5-10 मिनट के अंदर प्रिंट करके दे देता हूँ। ये 3.5x4.5 सेंटीमीटर के हिसाब से मैंने सेट कर लिया, देखो छोटा हो गया है फ़ोटो के साइज़ का। अभी इसे ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके जहाँ पर फ़ोटो है वही ले जाना पड़ेगा। ये नहीं है, या हाँ ये है,
तो यहाँ पर ड्रैग करना पड़ेगा। देखो बॉर्डर आ चुका है और इसे आसानी से ड्रैग करके हम सेट कर देंगे इसके ऊपर। तो अभी जो मेन काम बाकी है इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेज बहुत ही ज़रूरी होता है हम जब फोटो को अप्लाई करते हैं। मार्च से पहले आप ज़रूर बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट कर लीजिए सॉलिड कलर में जाके। यहाँ पर ब्लू कलर ज़्यादातर चूज़ होता है। एकदम कॉर्नर का एरिया लूँगा ब्लू कलर। तो देखो यहाँ पर लॉजिक एक है, तो बैकग्राउंड सबसे पीछे पीछे होना चाहिए, यानी सबसे नीचे लेयर दे दिया जाता है, इस लेयर को ड्रैग करके नीचे दे दिया जाता है, यही सबसे परफेक्ट है। और मैं जो होता हूँ बीच में होता हूँ उसके, मेरा आगे या फिर जो फोटो है फोटो के आगे होता है बॉर्डर, बॉर्डर पीछे रह जाएगा तो ये बॉर्डर नहीं दिखेगा, उससे फोटो का खूबसूरती नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर है ठीक से बॉर्डर भी आ गया है शर्ट के ऊपर से। शर्ट अगर वाइट कलर का होता तो आसानी से दिख जाता, तो फिर भी दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं मार्च कर लूँगा इन तीनों फाइल को, मार्च विजिबल, ओके विजिबल मार्च हो गया सभी लेयर्स। तो हम इसे सेव कर सकते हैं, उसे पहले रोटेट करेंगे थोड़ा 90 डिग्री, क्योंकि ये जगह पर दिया गया है जैसे इस तरह से मैंने सजाया था, और कुछ इस तरह सा हम सेटअप कर लेते हैं। मेरा ये फोटोशॉप CS6 2020 है और इसका लाइट थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ और डार्कनेस और भी बढ़ा देता हूँ तो अच्छा दिखता है फोटो, तो ये ऐसा दिखता है। तो आप थोड़ा इधर उधर कर सकते हो लाइट एरिया बढ़ा के कमा के, तो ऐसे ही होता है। आप इसे सेव भी कर सकते हो, इस तरह से साफ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा है, यानी बड़ा करके दिखा रहा हूँ, छोटा होगा जब ये आसानी से ठीक ठाक दिखेगा। ये रेजोल्यूशन याद रखना 300 होना चाहिए, एक भी ज़्यादा नहीं कम नहीं। तो रेजोल्यूशन एक 100 करूँगा, क्योंकि इसका जो अलग और भी पोर्शन है उसको सेम रख के, इसको अगर हम ऑनलाइन अपडेट करेंगे तो वहाँ पर अपलोड करने के लिए जगह दिया जाता है 40 KB, 20 KB से 40 KB तक जगह दिया जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से सेट करूँगा, देखना कि इमेज का साइज ठीक ठाक हो, तभी हम सेव करेंगे। PNG फाइल में सेव कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, PNG फाइल अगर ना ले तो JPG में कर सकते हो। मैं PNG फाइल में करके दिखाता हूँ, नहीं तो JPG करके दिखाता हूँ आपको दिख जाएगा JPG फाइल में। ये देखो यहाँ पर चूज़ करने के लिए दिया जाता है कितना साइज का फोटो आप लेना चाहते हो, 55 KB का हाइस्ट है, 32 KB का यहाँ पर हाइस्ट रहा, ओके मैं 34 KB लेता हूँ 40 के आसपास, तो ये और भी कम कर देता है। तो ये कम हो सकता है 29 KB का, 29 KB के अंदर आ सकता है, तो उतनी खराब फोटो मुझे नहीं चाहिए, 34 KB ठीक है, 36-34 इसके अंदर ही रखना चाहिए अगर 40 KB में सेट करना है तो, फोटो आसानी से दिख जाएगा। तो इसे हम अब सेव करेंगे, सेव तो हो चुका है, ये रहा फोटो 27.8 KB के अंदर फोटो आ चुका है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखो मैं फोटो ओपन करता हूँ, ये देखो साफ साफ फोटो दिखाई दे रहा है, ओके ये जब ऑनलाइन में अपलोड करोगे अपने कोई एडमिशन के दौरान या फिर कहीं पर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इस फोटो को काम में लगा सकते हो, ओके। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसे मैं कैसे किया है वो भी आपको पता चल गया होगा, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स पर, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नेक्स्ट वीडियो पर फिर से मुलाकात होगा। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मैं कभी कभी टेक्निकल वीडियो चलाता रहता हूँ जो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड जय हिंद।